तो जनाब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने छींचा लेदर करवा लिया है। मामला एक ताजा पोस्ट से जुड़ा है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ये दावा किया गया है कि कर्नाटका में सिद्धारमैया की अगुवाई में अन्न सौभाग्य नाम से एक योजना शुरू की गई है और इस योजना का सीधा लाभ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 1 करोड़ लोगों और उनके परिवारों को मिल रहा है। इसके जवाब में भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा आंकड़े रखते हुए बताते हैं कि कर्नाटका की कुल जनसंख्या 6 करोड़ है और ऐसे अगर कांग्रेस की बात माने तो एक परिवार में औसतन 5 लोग होते हैं। इस हिसाब से क्या कर्नाटक की 5 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है? राहुल बाबा, अपने लोगों के लिए आप मैथ्स की क्लास लगवाइए, वरना कांग्रेस मुक्त भारत होने में एक स्टेप और कम हो सकता है। और ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है कि कांग्रेस किन गरीबों का पेट भर रही है। तो जनाब हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए ट्रेंडी न्यूज के साथ।